वो दोस्तों लाइव है तो सी पार्को कैंप तो लाए हुए हैं इसका थाने दे रसोला दिखा पार्को कैंप को जिसके एक लड़की जड़ी आई है एक लड़की है थाने दे विच पहुंची है गलबात करा कि हां जी की होया की जी मामला नाम नहीं बोलना अपन हां जी सर जी मैं दिल्ली से आई हुई हूं ठीक है एक लड़का यहां का न्यू देवल नगर का रहता है दुष्यंत कनॉट नाम है उसका रॉयल वैले पार्किंग उसकी चलती है हवेली के अंदर और उसकी सिस्टर है रश्मि अग्रवाल रश्मि निमंत्रण करके उसकी सिस्टर का इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम है इन दोनों भाई बहनों ने मेरे साथ में शादी के नाम पे फ्रॉड किया है मेरे से बहुत पैसे मेरे खा लिए इन्होंने मेरे पास आप इनके संपर्क में कैसे हैं मैं सर जीवन साथी या shaadi.com मैट्रिमोनियल साइट होती है उसके थ्रू मैं इसके संपर्क में आई हूँ ठीक है इसकी फैमिली और इतने सबने मेरे को पहले तो बोल दिया कि हाँ हम शादी करेंगे तेरे से बेटर और उसके बाद में आप अचानक जब शादी की बात आई तो लड़का भी मना कर रहा है और उसकी फैमिली भी मना कर रही है और ना मेरे इन्होंने पैसे देने हैं सारा कुछ खा के बैठे हुए जी मेरे कैसे आपने लेने मेरे सर बहुत पैसे हैं मेरे पास सारी ट्रांजैक्शन है 7.5-8-9 लाख रुपए के हिसाब से मेरे पैसे की होया किसी का ये कितना कॉन्टेक्ट कितना शुरू होया था उधर ये सर मैट्रिमोनियल के थ्रू हम इससे मिले थे अच्छा जी हाँ जी कितने साल गलबात कितने साल 1.5 साल मेरी गलबात हुई इस लड़के के साथ में 1.5 साल से अब इससे मुझे 2-4 लगा लो मैं 2-4 महीने से लगातार मैं इससे शादी की जब जब इससे बात की सीरियस है तो मैंने कहा शादी के लिए इसको मैंने बोला तो इसने मेरे को हमेशा ही कह रहा तू आ जा जलंधर आ जा मैं अपने मम्मी डैडी मम्मी नहीं है मैं अपने फादर से मिलवाता हूँ तेरी बात करवाता हूँ ठीक है इसके फादर साहब भी मिले शादी की बात करते ही नहीं शादी की बात जब भी करने लगते हैं पापा बीमार है जी मेरे इसकी सिस्टर बोलने लग जाती है अभी घर नहीं जाना है जी वहाँ पे पापा नहीं कितना पैसे पैसे किन्ने के पैसे था ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੇਰਾ 8.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪਨੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਥੀ पहले स्टार्टिंग में कि मेरे को अपना बिजनेस सेट करना है क्योंकि मेरा सीजन का काम है तो मैंने कहा चलो शादी करनी है इस लड़के ने मेरे से उसकी सिस्टर भी मेरे से एग्री है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है जिस तरीके से इसकी फैमिली मेरे से मिल रही थी तो इसको सच में लोड होगी पैसे दी तो मैंने इसकी मदद कर दी ठीक है इसने मदद मांगी थी मेरे से इसने ये भी मेरे को प्रॉमिस किया था मैं तेरे वापस भी करूंगा तो जब पैसे वापस देने की बात आई तो ये सारी फैमिली इसकी मुकर गई ऊपर से इसके इसके सिस्टर को मैंने ये भी बोला कि दीदी मेरी प्लीज बात सुन लो क्योंकि इस लड़के ने मेरे को रमाडन कौर में इसने मेरे से कुटमार भी करी है वो दी वीडियो भी मेरे को हैगी है मैंने उसकी डीडीआर कटवाई है 4 नंबर थाने में जाके तब जाके मेरे को फुटेज मिली है ओथे क्यों बुलाया सी गई थानो रमाडन कौर ने क्योंकि इसका और भी लड़के के साथ में अफेयर चल रहा था उस टाइम पे कुटमार हुई है रूम के अंदर हुई है नहीं 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 रेस्टोरेंट में हुई है मेरे पास फुटेज है उस रेस्टोरेंट की सारी ठीक है तो उसके बाद में इसने मेरे को यही कुटमार करके लड़का अपने पास पिस्तल भी रखता है धमकियां देता है और इसने मेरी गंदी अश्लील वीडियोस भी बनाई हुई है कि कल को अगर तू पुलिस स्टेशन जाएगी कहीं भी जाएगी मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा मेरे फादर साहब हैंडीकैप है ना इसने मेरे से शादी करनी है ना कुछ करना मुझे हाँ जी हाँ जी आए थे इसकी इसने मेरे को झांसा दिया था जी आप इसके साथ से कब 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 मिले जलंधर में मिले या दिल्ली में मिले मैं इसे जलंधर में मिली थी सर कितनी बार मिले इससे मेरा बहुत बहुत बारी मैं इससे मिली हूँ जी ओके ओके बहुत बारी फैमिली भी मिलती रही इसकी सिस्टर भी मेरे साथ घूमने गई है इसकी सिस्टर की डॉटर है वो भी हम लोग सारे घूमने गए ये लड़का खुद ही लेके गया था हम सबको कि शादी करूंगा मतलब पूरी फैमिली ने एक तरीके से मेरे को अपने एक तरीके से उस लड़के ने अपनी फैमिली में पूरी तरीके से मेरे को इन्वॉल्व कर लिया मैम एक बारी भी आपकी तरफ से जाके उनकी फैमिली से बात करने की मैंने आज बात करी थी आज इस लड़के ने मेरे को बोला था कि निधि हम एक अपना काम करते हैं कि अपना दीदी दीदी से मेरी बात हुई थी दीदी बोले थे कि हाँ आप अपना फैमिली से मैं बात कर लेती हूँ ठीक है तो आज मैं इसके घर गई मैंने इसको बोला कि चलो दुष्यंत आपके ना पेरेंट्स से बात करते हैं ठीक है शादी के लिए आपने मेरे को बोला था 12 तारीख को हम लोग शादी का डिसीजन ले लेंगे ठीक है जी उसके बाद मैं इसके घर पे गई हूँ कि ये लड़का गायब है वहाँ से इसलिए इनके घर में जो काम करते हैं मीना दीदी उन्होंने भी इस लड़के ने क्या करा उन मेरा फ़ोन ब्लॉक में डाल दिया और अपने उन दीदी को बोला कि कल लड़की कल को आएगी तो इसको बोल देना इसकी हमने रिपोर्ट कर दी है जी और है ना मैं आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करना दीदी ये लड़का कहाँ रहता है ये लड़का न्यू देवल नगर में रहता है न्यू देवल नगर जब जब आपके साथ मारपीट की गई थी रेस्टोरेंट में तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया था एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसने मेरे को ना बहुत ही प्यार से मेरे को उसने बोला कि मैं ना ऐसा करता हूँ मैं आपके पैसे कल दे देता हूँ आप ना प्लीज है ना रिपोर्ट मत कराना मेरे फादर साहब बहुत बुजुर्ग है ठीक है मैं इस करके चुप हो गई कि मैंने कहा चलो कोई नहीं मेरे घर में भी बुजुर्ग है तो मैं घर तक बात रहे तो ज्यादा अच्छा है ठीक है आज लेकिन 8 लाख रुपए इसको दे दिया हाँ जी तो बिना पूछ पड़ताल के बिना जांच के बिना जांच पहचाने आपको मिले नहीं कभी नहीं नहीं मैं मिली हूँ कभी तो नहीं है ना इसको इसने नहीं तुसी पैसे पैसे सारे कैश देते हैं जी
कैश सर मैंने इसके अकाउंट में ट्रांसफर करे है, कुछ इसने मेरे सामान भी लिया हुआ अपने बिजनेस पर्पस से रिलेटेड। जेडे ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦਿਖਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। shaadi.com ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इन्हों का 10 लाख रुपया जिहड़ा, हाँ जी हाँ जी, शादी के भरोसे में लेके इस लड़के ने मेरा शारीरिक शोषण किया है। ठीक है, कोई लड़की ऐसे ही नहीं जाती जब तक लड़का उसको आगे से कोई ना बोले, जबकि इसकी फैमिली इन्वॉल्व थी, सारा कुछ इन्वॉल्व था, तो मुझे लगा शादी का मैटर ही है। मैडम ताड़ी कोई वीडियो भी बनाई गई है ना वालों? हाँ जी, इस लड़के के पास मेरी वीडियोज है। ठीक है, क्योंकि इसने मेरे को रवांडा इंक्वायर के अंदर इसने मेरे को हिसाब देता ना कुछ। कुटमार दिखा रहे मैडम, इधर भी घुमा दो, सारे पासे घुमा दो, लाइट बंद कर यार, लाइट बंद कर लो यार, ता दिखेगी। मैडम इधर भी दिखा दो, एक इस जगह के ऊपर ताना कुटमार हो रही है। ये सर रमाडा एनकोर होटल, मैं दोबारा दिखाऊंगा, रमाडा एनकोर होटल है, उसमें इस लड़के ने मेरा गला बड़ी कर दो, उसमें इस लड़के ने मेरा गला भी दबाया, मेरे को कुटमार भी करी है। मैडम इस तरह दिखाना, अब मेरे को झूठ बोल रहा है, हर चीज को डिनाई कर रहा है कि मैंने शादी नहीं करनी, क्योंकि इसके सिस्टर भी मेरे को धमकी देते हैं, अगर तूने कुछ करा मैं मीडिया में हूँ, तेरी इज्जत उछाल दूंगी, मेरे भाई को कुछ हुआ तो मीडिया में वो उनका, उसकी सिस्टर का ऑर्गेनाइजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर है रश्मि अग्रवाल, रश्मि निमंत्रण करके। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ, ਇਸਕੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਦਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਜਬ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਹਮ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਲੜਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੋਫਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼? इसने मेरे को शादी बोला था, मैं दिसंबर तक शादी कर लूंगा। ठीक है, पहले से नवंबर का बोला, नवंबर से नहीं, आपने बोला कि अभी उनके जैसे कि आपको सिस्टम उनके टॉर्चर करते हैं वो मीडिया में, अब बोला है आज आज आज, और आप बता रहे हो इवेंट ऑर्गेनाइजर है? हाँ, इवेंट ऑर्गेनाइजर है, मुझे जो बोला गया। ओके, हाँ, क्योंकि वो उसकी सिस्टर की कहती मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है मीडिया में, अगर तूने कुछ उछाली, इज्जत उछाली मेरे भाई की या कुछ किया मेरी फैमिली को या मेरे फादर साहब को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की नहीं, तो मैं तेरा हश्र वो करूंगी, तू देखती रह जाएगा, तेरा जलंधर तो क्या पूरी दिल्ली भी। आपके पैसे देने के लिए वो मना कर रहे, भाग रहे हैं जी, घर पे कोई नहीं मिला, इसके फादर साहब थे, अब उनसे तो मैं बात कर नहीं सकती ना मैं लड़ सकती, वहां पे भी गई थी तो दुष्यंत ने अपने दो चार दोस्तों को वहां पे भेज दिया डराने धमकाने के लिए, वो भी मुझे डराने लगे, चली जा यहां से, चली जा नहीं तो तेरा देख यहां पे नहीं। प्रशासन के पास आप आए हो, क्या आश्वासन मिला? प्रशासन ने मेरी अभी बस रिपोर्ट ली है, अगर प्रशासन कार्रवाई करेगी तो मेरे को आश्वासन तब मिलेगा सर, मैं इंसाफ चाह रही हूँ बस। कितनी बार ये मिले हो, कितनी बार ये संपर्क आए? बहुत बार सर, बहुत बार, मैं बता नहीं सकती। दिल्ली में आपके साथ आपकी दिल्ली में भी, हाँ जी, मेरी फैमिली से भी लड़का मिलकर आया है, दिल्ली में भी मेरा स्टे करा है। नहीं, कोई तुम्हारे फैमिली मेंबर नाल आए जी तुम्हारे हूँ थाने दे विच के, तुम कल्ले आए हो? नहीं, मैं कल्ले आई हूँ, क्योंकि इस लड़के ने मुझे बुलाया था कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं मेरे फादर से पूछ के। नहीं, जो तुम्हारे ते इतनी बड़ी गल हुई है, तुम अपनी फैमिली नहीं दसा, शेयर की जी गल? मैंने अपनी फैमिली को अभी शेयर की है थोड़ी देर पहले, सारा टाइम, उसके बाद में मैंने कहा चलो मैं चली जाती, बात ही तो करनी है, मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा फ्रॉड कर देंगे पूरी फैमिली मेरे साथ में। आपके परिवार तुम्हारे घर वालों कोई अपना तुम्हारा भरा कोई तुम्हारी बहन तुम्हारी मदर नहीं सर, कोई नहीं मतलब आए तो? कोई नहीं आए सर, मैं आपको बता रही हूँ, सब पहले कार्रवाई करते हैं जी, कार्रवाई करते हैं इस पे। आपने शिकायत दी उनको? हाँ जी, मैं 3 दिन से आ रही थी तो पहले तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब जब मैंने मीडिया की हेल्प ली तो मेरी सुनवाई हो रही है जी। फरोड किया गया और कुटिया गया, जी वीडियो भी सीसीटीवी भी है दिखा रहे है। फिर तो दस थाना भर कैंप जी लड़की आई है दिल्ली तो, इन्हों का आरोप है कि shaadi.com तो एक लड़के ने संपर्क च आई, उस तो बाद लड़के ने हेल्प वास्ते जो
जो लख रुपए है इन्होंने को लै लिते और जो शरीरिक शोषण भी जो किया गया साडा चैनल इस गल की कोई पुष्टि करता कि जो आरोप लगा रहे ठीक है जो दूजा पक्ष पार्टी भी अपना पक्ष रखना चाहता साडे चैनल राही अपना पक्ष रख सकती है। ठीक है, तो प्लीज जब भी कोई लड़की कानून का दरवाजा खटखटाए तो सबको उसकी मदद करनी चाहिए एज अ ब्रदर। तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जो भी आपको मेरी तरफ से हेल्प चाहिए हम आपकी करेंगे पूरी फुल। मैडम टोटल कितने पैसे तुम इनके को लेने हैं? सर मेरे बहुत पैसे, मेरे पास अकाउंट आते हैं आपको बता दें। और सो तो ब्लैकमेल भी करता है, करता है इसके पास मेरी अश्लील वीडियो जिसने बनाई हुई है। ओके। और मेरे को गन पॉइंट पे इसने सारा कुछ किया हुआ है। अगर मैंने जो वीडियो बनाई वो गन पॉइंट पे बनाई है, अगर मैंने इस लड़के की तरह से भी कार्रवाई अगर आज मैं नहीं आती ना सर तो शायद मैं यहाँ पर भी नहीं खड़ी होती, क्योंकि इस लड़के ने मेरे साथ में बहुत गलत कर दिया है। मैं बस लाचार हूँ कि मेरे बैक सपोर्ट ये नहीं है कि मेरे फादर साहब थोड़े कैंडिडेट हैं, मेरे पास कोई मेल कैंडिडेट इस टाइम पे नहीं है, इसलिए मैंने आप सभी मीडिया भाइयों का मदद ली है। ठीक है जी। सो तुहानू एक फिर तो दस दिए कि जरा भारगैम थाने एक लड़की जी दिल्ली तो आई है आरोप लगा रही है कि एक लड़का जरा कि शादी डॉट कॉम जरा कि ऐप है उनके बिहाफ से जरा कि मिलता है तो उस तो बाद जरा कि इन्होंने को 8 लाख रुपया जरा कि लिता जाता इस करके कि मैनू मदद का कह के इन्होंने को 8 लाख रुपया जरा लिता जाता और जो इन्हों दसया जा रहा कि कुछ जो अश्लील वीडियोज भी इन्हों दिया कोई लड़के को लैके ब्लैकमेल भी किया जाता। सो दस दिए कि साडा चैनल इस गल की कोई पुष्टि नहीं करता कि जो आरोप लगा रहे ठीक है या गलत है, जो दूजी पार्टी भी अपना कोई पक्ष रखना चाहिए तो साडे चैनल राही अपना पक्ष रख सकता। सो इन्हें तस्वीर तौर पर लेने इजाजत, इस खबर लग कोई होर अपडेट आती तो द्वारा फिर उभरू होवे तत्व इजाजत, धन्यवाद।